भाइयों और बहनों, आज पेरेंट्स डे है, मतलब आप लोगों का दिन। आज इस पेरेंट्स डे को कामयाब बनाने के लिए हमारे विद्यार्थियों ने एक रंगारंग कार्यक्रम बनाया है। उसमें सबसे पहले विद्यार्थी है मास्टर प्रभात केदारनाथ शर्मा, जिन्हें आप सब जानते हैं। जी हाँ, तो पेश है प्रभात केदारनाथ शर्मा। छोटे मालिक, कितना अच्छा नाम लिखा है तुम्हारा। ओहो, फिर छोटे मालिक कहा? कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि दोस्त हो। भूल हो गई, अब नहीं कहूँगा, लेकिन तुम पहले अपना नाम तो देखो। प्रभा। ये किसका नाम लिखा है तुमने? तुम्हारा। ये मेरा नाम है, चल चल पढ़। प्र भ का मात्रा आ प्रभा। ओ धत तेरी की, यही तो हम मार खा गए, थोड़ी सी हिंदी कम पड़ गई। चल चल जल्दी लिख, नहीं तो लोग समझेंगे किसी लड़की का नाम लिखा है। हाँ हाँ अभी लिखता हूँ। अब ठीक है, गोपाल प्रभात। ठीक है, लेकिन गोपाल एक बात बता, अगर यह पेड़ सूख गया तो क्या होगा? सूखेगा कैसे, हम इसे रोज पानी देंगे, खाद देंगे और एक दिन यह पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारा नाम भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा भी और पक्का भी, जैसे दोस्ती हमारी। नमस्ते छोटे सेठ जी। गुड मॉर्निंग छोटे सेठ जी। नमस्ते छोटे सेठ जी। लेटर आया इसका नहीं? हाय हाय, क्या स्प्रिंग बनाता है तू दिलदारे? अरे लकड़ी के बनाए हुए स्प्रिंग तो 8 दिन टिक सकते हैं, मगर तेरे स्टील के बनाए हुए स्प्रिंग तो 8 मिनट भी नहीं टिक सकते। रखा टूटा, रखा टूटा, रखा टूटा। हाँ, इसलिए लाला जी का ये हुक्म है कि तेरे माल का कचरा साफ करने के बजाय तेरा हिसाब साफ कर दिया जाए। मामा जी, स्टील को मजबूत बनाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या? क्या? स्टील के स्प्रिंग पर कागज की पट्टी लपेट दो तो वो कभी नहीं टूटता। कितने का है वो स्टील? 2000। स्प्रिंग बहुत कमजोर है। 5000। अब भी कमजोर है। 10000। अब मजबूत है। तो लीजिए। ना 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 ना, तुबा तुबा तुबा, अरे घूस के पैसों को हाथ लगाना पाप होता है। माफ करना मामा जी, मैंने आपको बहुत गलत इंसान समझा था। आए, गलत तो आप भी समझ रहे हो। आए? ये उधर नहीं, इधर। घूस के पैसों को हाथ लगाना पाप होता है। अब तू बैठ जा और देख मैं तुम्हारा काम कैसे करके आता हूं। हाँ। ए प्रभात, ये क्या? मेरा मामा चोर है,
मैं चोरू क्या? मामा! हट हट हट! बच्चा बच्चा है बच्चा है। हे मेरा मेरा मुंह क्या क्या खड़े देख रहे हो? चलो अपने अपने काम करो, बैठो अपनी जगह पे। ये गोपाल का खून किसने किया? साहब प्रभात ने गोपाल को गोली मारी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रभात है कहाँ? पता नहीं मालिक। क्या छोटे मालिक को पुलिस पकड़ के ले जाएगी? नहीं। क्या छोटे मालिक को सजा हो सकती है? फांसी भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। नहीं, मेरे प्यारे भाई मजदूरों, आप सब तो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। आपकी यूनियन का लीडर मजदूरों का दोस्त, मजदूरों के दुश्मनों का जानी दुश्मन, मैं आपका अपना गुल्लू। मैंने कर लिया है तय, या तो ये सेठ देकर रहेगा हमें हमारा बोनस, नहीं तो हम जाएंगे हड़ताल पर। जरा सोचो, अगर हमने कर दिया काम बंद, तो ये सेठ जो खुद को समझता है धर्मात्मा और चूसता है हम गरीबों का खून, एक मिनट में हो जाएगा नंगा। ये पगड़ी, ये ऊंची पगड़ी जिसपे है बहुत इसको फक्र, आ जाएगी जमीन पर। लेकिन कैसे? कैसे? आठ पीछे। कौन है ये? गुल्लू उस्ताद, लाला जी का नमक हलाल कुत्ता गोपाल। हाँ, नमक हलाल। तुम जैसा नमक हराम नहीं जो मालिकों की पगड़ी उछाला करते हैं। नमक हलाल जो होते हैं जान देकर संभाला करते हैं। आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हो? क्या लाला जी ने आपको बोनस देने से इनकार कर दिया? हाँ, किया है इनकार। ये झूठ बोल रहा है भाइयों। हर साल आप लोगों को बोनस मिलता आया है, तो इस साल भी आप लोगों को बोनस मिलेगा। आप लोग वापस काम पर चले जाइए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि लाला जी आप लोगों को बोनस देंगे। ए! हम कैसे मान लें कि तुम लाला जी से हमें दिलाओगे बोनस? ठीक है, सोच लीजिए कि आप लोगों ने हड़ताल कर दी तो बोनस तो क्या, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। अगर पेड़ को जड़ से काट दिया जाए तो फल कैसे मिलेगा? ये ठीक कहता भाइयों, चलो काम पे। चलो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा लीडर। अरे इधर आओ भाइयों, इधर आओ। गुल्लू, जिस बेअदबी से तूने लाला जी की पगड़ी को ठोकर मारकर उछाला था, पूरे सम्मान के साथ इस पगड़ी को अपने माथे पर लगाकर लाला जी के सर पर रख दे। नहीं, ये पगड़ी लगाने वाली सर पे, इससे तो कुचलना चाहिए पैरों के नीचे। Thank you.
अरे गोपाल तू यहाँ क्या कर रहा है? हवेली में तुझे सब पूछ रहे हैं। अरे मामा जी मैं हड़ताल तोड़वाने गया था। अरे तू क्या हड़ताल करवाएगा? मैं लाला जी से 3 लाख रुपए लाया हूँ, हाँ हड़ताल मैं तोड़वाऊंगा। अब रुपयों की जरूरत नहीं है मामा जी, हड़ताल मैंने तोड़ दी, अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने। अरे 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 सदके, ओ मैं सदके, मैं कुर्बान हो गया नुकसान। में तो अभी बहुत देर है, चलो कुछ गाना बजाना तो करो। चलो चलो चलो। लोग नजर आएंगे
पर तू नजर नहीं आएगी, पर तू नजर नहीं आएगी। इस घर को छोड़ के चल दी, हमसे मुखड़ा मोड़ के चल दी, सबसे रिश्ता तोड़ के चल दी, पीसे नाता जोड़ के चल दी। ओ बहना खुश रहना बहना, ओ गुड़िया ओ बहना, ओ लाडो खुश रहना। दिया मेरे दिल का चैना, रह गया थाम के दिल बेचारा एक अनाथ भैया तुम्हारा, रह गया थाम के दिल बेचारा एक अनाथ भैया तुम्हारा। ओ गुड़िया ओ बहना, खुश रहना। तुझको पिया के देश है जाना, ना जाने कब आना। महकी रात भी आई, देख तेरी बारात भी आई। एक दिन ये तो होना ही था मिलके आखिर खोना ही था, एक दिन ये तो होना ही था मिलके आखिर खोना ही था। मेरी दुआ का गहना ले जा मेरी बहना ले जा, मेरी दुआ का गहना ले जा मेरी बहना ले जा। ओ बहना खुश रहना बहना, ओ गुड़िया ओ बहना, ओ लाडो खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना। ये लीजिए मुनीम जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। अरे चाय तो पी लूंगा, लेकिन आज की ताजा खबर तो सुनिए। क्या? अरे फूलन देवी मॉडर्न बन गई। क्या? पतलून और कोट पहनने लगी है क्या? नहीं, डाकू लड़कियों ने लूटने का नया सिस्टम चालू कर दिया। नया सिस्टम जरा पढ़ के सुनाइए। जनता को सूचना दी जाती है कि जवान सुंदर अच्छे कपड़े पहनने वाली और अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से होशियार रहे। ये लड़की खुद को कभी कभी सोशल वर्कर बताती है, कभी कभी कहती है कि राशनिंग ऑफिस से आई है, और कभी खुद को डॉक्टर जाहिर करती है। ये लड़की ऐसे घरों में घुस जाती है जहाँ कोई मर्द नहीं होते। घरेलू औरतों को बेवकूफ बनाकर, जरूरत पड़े तो उन्हें बांध कर सब कुछ लूट लेती है। जो कोई उस लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। 10,000 रुपये का इनाम की बात छोड़िए मुनीम जी, और हवेली के बारे में सोचिए। लाला जी फैक्ट्री चले जाते हैं, उनके साथ जवाई राजा भी चले जाते हैं। मैं यहाँ वहाँ भटकता फिरता हूँ, और बीजी घर में अकेली रहती है। कहीं वो मॉडर्न फूलन देवी हवेली में खुश जाए।
तो फिर क्या होगा? मुनीम जी, मैं जाकर बीजी को अभी अभी चौकन्ना करके आता हूँ। हाँ, मैं भी चौकन्ना हो गया। लड़की, ये वही लड़की लगती है मेरे भाई जिसके बारे में अभी अभी अखबार में पढ़ के आया हूं। शक्ल से तो चोर ही लगती है, और 10,000 रुपयों का इनाम लगता है मेरे नसीब में ही है। चलो इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। आप अंदर का घुसी जा रही हैं? पहले हमसे तो मिल लीजिए। कौन है आप? हम यहाँ के सब कुछ है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम अंजू है। अंजू, बहुत ही अच्छा नाम है। आपका अपना है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा। आप सोशल वर्कर हैं? जी नहीं। तो फिर आप राशन ऑफिस से आई हैं? ये देखना चाहती हैं कि हम कितना खाते हैं? नहीं। तो फिर आप डॉक्टर हैं? ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जी मैं डॉक्टर हूँ और बीजी से मिलना चाहती हूँ। इनको तो बीजी का नाम भी मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा? हाँ मालूम होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि अब बीजी आ नहीं रहती, उन्होंने दूसरा घर ले लिया है बाहर। बाहर? आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? जरूर ले चलेंगे। आइए आइए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? हमें किसने पुकारा फरियादी? हम आ गए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये वही लड़की है जिसके बारे में अखबार में छपा था, डॉक्टर बनके हमारे घर में घुस रही थी, साली चोर कही थी। ए, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे इसकी बात पर सुनिए साहब, ये वही लड़की है जिस पर आपने इनाम रखा था। हाँ, वही लड़की, खूबसूरत, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली, इत्र लगाकर अंग्रेजी बोलने वाली। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बीजी की दोस्त की लड़की हूँ और आज ही दिल्ली से आई हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप चलिए मेरे साथ बीजी के पास और उन्हीं से पूछ लीजिए। चलें? हाँ चलें। चलिए ना। ए, इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये फिर चालाकी दिखा रही है। क्या दिखा रही है? चालाकी दिखा रही है, ये बाहर जाएगी, भाग जाएगी, फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इनाम लूंगा। खामोश, काम से पहले इनाम मांगता है, आगाज से पहले अंजाम मांगता है। ये पूछ इंस्पेक्टर गुलफाम क्या मांगता है? मैं समझा नहीं साहब। और तू समझेगा भी नहीं नादान, अरे इस दिल में कितना दर्द है। ये शायरी का फन है, हमारे बाप दादा का चलन है, जो पीले हाउस पर नाटक कंपनी में काम किया करते थे। आपके पिताजी एक्टर थे? नहीं, वो कपड़े खींचते थे। जी? मेरा मतलब ये है कि वो पर्दे खींचते थे। पर्दे खींचे या कपड़े खींचे, उससे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पासी भाग गए, नाटक कंपनी खलास हो गई है, इसीलिए मुझको इंस्पेक्टर बनना पड़ा। हाय गुलफाम, तू किस हाल में है? एक एक्टर पुलिस के जाल में है। अंजू, अंजू, बीजी, आप बीजी? ये बीजी कौन है? क्या हो गया तुझे? तो स्टेशन से सीधा हवेली पे आना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई? मैं नहीं आई बीजी, ये बदमाश मुझे यहाँ ले आया। गोपाल? ये तो अपना गोपाल है। बीजी, ये बहुत बदमाश आदमी है, मुझे हवेली के धोखे से यहाँ ले आया और इस पुलिस वाले से इनाम भी मांग रहा है। इनाम? बीजी, बीजी, इनाम एक चोर लड़की पे है जिसके बारे में अखबार में भी लिखा था, ये बिल्कुल वैसी ही लगती है। मेरी शक्ल तुम्हें चोर जैसी लगती है? अरे चोर की कलाई पर थोड़े लिखा होता है कि वो चोर है, लेकिन फिल्म दीवार में तो लिखा था। बदतमीज, चढ़ाप। अरे इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है, ये क्या ड्रामा है? ओफो, ये क्या पागलपन है गोपाल, ये मेरी स्वर्गवासी सहेली की बेटी अंजू है। ओए होए, तेरा नुकसान मेरा नुकसान, 50% पार्टनर जो हुए भाई। मामा जी। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, वो तो भाई मेरा इंतजार कर रही है। मामा। ओफो, मामा जी, ड्राइवर हॉर्न। ये कौन है मामा? अरे तू इसे नहीं जानता? ये लाला जी की छोटी बेटी सुनीता है। ओए बड़ा किस्मत का धनी है गोपाल। ओए तू गलत सोच रहा है, गोपाल इसे बहन मानता है, राखी बांधती है ये उसे। ओए तब तो गोपाल से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा, तिजोरी के दरवाजे पे बैठा मांग रहा है भीख।
अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक तो ये होती मेरी बाहों में और लाला जी की पगड़ी होती मेरे पैरों के नीचे। ये काम भी हो सकता है गुल्लू बादशाह, लेकिन एक शर्त है। बोलो मामा। 50-50। अरे मंजूर। धुन गोपाल, जब भी मैं इसे सुनती हूं तो प्रभात की आग मुझे पागल बना देती है। इसे मत बजा गोपाल, इसे मत बजा, मत बजा गोपाल। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। भगवान करे प्रभात चाह भी हो, खुश हो। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मन की शांति देता है ये है वो संगीत, धोखा जिसमें कोई नहीं संगीत ऐसा मीत। मन की शांति देता है ये है वो संगीत, धोखा जिसमें कोई नहीं संगीत ऐसा मीत। जब नफरत दिल को तोड़े संगीत दिल को जोड़े, जब नफरत दिल को तोड़े संगीत दिल को जोड़े, ये वो तराना है जो दिल का हर गम दूर करे। जो लोग हैं पुराने, जो लोग हैं सियाने, ये उनसे है बिनती वो लोग बुरा ना माने। या या, या या। जो लोग हैं पुराने, जो लोग हैं सियाने, ये उनसे है बिनती वो लोग बुरा ना माने। ये नए है जमाने, हम प्यार के दीवाने, न बांटने से कम हो ये प्यार के खजाने। या या। ये प्यार की है बोली, ये बोली जिसने बोली, ये प्यार की है बोली, ये बोली जिसने बोली, जिसके लब पर प्यार की बोली गोली से न डरे। नाम है कुछ ऐसा न दूसरा इस जैसा, जिसने भी दिल से गाया वो सार जहाँ पे छाया। या या, या या। ये नाम है कुछ ऐसा न दूसरा इस जैसा, जिसने भी दिल से गाया सारे जहाँ पे छाया। इसकी शरण जो आया मालिक का उस पर साया, उसके लिए सब अपने कोई नहीं पराया। या या, जब मिले ज्ञान की ज्योति तो फिर क्या हीरे मोती, जब मिले ज्ञान की ज्योति तो फिर क्या हीरे मोती, ये धुन सुनकर सूखे वीराने हो जाए हरे। प्रभात, माय सन, कांग्रेचुलेशंस बेटे, मुबारक हो, मुबारक हो। जगदीश,
कांग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रभात। इस उभरते हुए कलाकार को फूल पेश किए जाएं। अंकल, ये सब क्या है? अपने बेटे की कामयाबी का इस्तकबाल। प्रभात, तू संगीत की दुनिया का वो नया प्रभात है जिसकी चमक कल शहर के हर नौजवान की आंखों में दिखाई देगी। तू छा गया मेरे बैरर चेक, तू छा गया। अंकल, ये कामयाबी आपकी है और मैं इसे आपके चरणों में भेंट करता हूं। जीते रहो बेटे। अंकल, मैं आज तक दिल्ली की वो दिसंबर महीने की सर्द रात को नहीं भूला जब एक भूखा प्यासा मासूम बच्चा सहारे की तलाश में आपके दरवाजे पर आकर बेहोश हो गया था। मां बाप की दी हुई जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी, ये जीवन तो आपका दिया है। जगदीश भैया के साथ नाइजीरिया भेजकर अच्छी तालीम दिलवाई और कामयाबी के आकाश पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रभात, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ याद है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया था, अब तुम्हारी बारी है। अंकल, आप हुक्म कीजिए। देखो प्रभात, कहीं ऐसा ना हो कि जो कामयाबी तुम्हें मिली है तुम किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो और हम। जगदीश भैया, मुझे कसम है अपने जन्मदाता की, जिस तरह तुम्हारे बदन में अंकल का खून बहता है उसी तरह मेरे बदन में अंकल का नमक बहता है। शाबाश बेटे, शाबाश। इस पर अपने दस्तखत कर दो। आज से तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ हम करेंगे। ठीक है अंकल। आओ लो बेटे, साइन कर दो। जी अंकल। प्रभात, प्रभात। हेलो जगदीश। हाय बेटी। हेलो अंकल। हाउ आर यू? मेरा ख्याल है आज तुम दोनों का इरादा कुछ बाहर जाने का है। अंकल, कुछ खास बात नहीं, अनीता बंबई देखना चाहती है। जरूर भाई जरूर, अनीता तुम्हारी दोस्त भी है और मेहमान भी है। एंड यू डिजर्व अ हॉलीडे माय सन, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। जाओ ऐश करो ऐश। थैंक यू अंकल। बाय जगदीश। बाय। भाइयों और बहनों, हमारा देश दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को एक वादा करना होगा कि आप लोग ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे। सरकार ने बच्चों पर रोक लगाने के लिए मुफ्त में नसबंदी का इंतजाम किया है। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी नसबंदी की, बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक लड़की जिसे ना छोटों की इज्जत ना बड़ों का लिहाज, तुम लोगों के सामने गंदी गंदी बातें कर रही है और तुम लोग यहाँ बैठे सुन रहे हो? अब मैं कोई गंदी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं ये लोगों की भलाई की बातें कर रही हूँ। अच्छा, लाला जी, बीजी और मुझसे ज्यादा तुम इन लोगों की भलाई चाहती हो? अरे हम चाहते हैं कि हम सब परिवार की तरह रहे, और तुम परिवार को ही खत्म कर देना चाहती हो। हम चाहते हैं कि इन सब के बच्चे हो ताकि ज्यादा कमाई हो, और तुम बच्चा पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती हो। भाई और बहनों, अगर तुम लोगों ने इसकी बात सुनी तो पति पत्नी को छोड़ देगा, माँ बेटे को छोड़ देगी, और लड़कियों की तो शादी नहीं होगी। चलो चलो उठो, जाओ घर। अरे आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं आपकी भलाई की बातें कर रही हूँ। चलो चलो निकलो यहाँ से। आप लोग मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं चलो भलाई की बातें कर रही हूँ, मेरी बात तो सुनिए। चलो चलो। अरे चलो। गोपाल भैया सही कह रहे हो। गोपाल भैया बिल्कुल सही। जा रही है अंजू? लीजिए, वो अस्पताल में क्वार्टर मिल गया है। अरे इतनी बड़ी हवेली छोड़कर अस्पताल के क्वार्टर में जा रही है? लीजिए, चाहती तो मैं भी यही थी कि यहां रहकर आपकी सेवा करूंगी, लेकिन जाना जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है? वो सरपीरे गोपाल ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं बीजी, वो तो बहुत अच्छा है, सबकी मदद करते रहता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। फिर क्या बात है? बीजी, दरअसल बात यह है कि आजकल मरीज बहुत हो गए हैं और कभी कभार उन्हें रात में भी देखना पड़ता है, इसलिए सोच रही थी कि अगर मैं वहाँ रहूंगी तो सहूलियत रहेगी। अच्छा, अगर नौकरी की बात है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर कभी कभी आती रहना। जरूर। जीती रहो। बीजी,
ये अंजू मेरे बारे में आपके कान तो नहीं भर रही थी? कान भर रही थी, बल्कि वो तो तेरी तारीफ कर रही थी। कहती थी गोपाल बड़ा अच्छा लड़का है, सबकी मदद करता है। अंजू मेरी तारीफ कर रही थी? हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं बीजी, आप क्यों झूठ बोलेंगी? लगता है अंजू को समझने में मैंने गलती की। गलती? नहीं बीजी कुछ नहीं। जी ये अंजू गई कहाँ? अस्पताल के क्वार्टर में। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया। पहले मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन जब बीजी से तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे अपने किए पे बहुत दुख हुआ। तुम इतनी अच्छी हो और मैं कमबख्त मैं पहचान न सका। अब तो पहचान लिया ना? हाँ, तुम्हें पहचान भी लिया और जान भी लिया। अंजू एक बात कहूं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही सपना देखें। जो तुम सुनो वो मैं सुनूं, जो मैं देखूं वो तुम देखो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब सामने रहती हो तो दिल करता है कि तुम्हें देखता रहूं, और जब दूर रहती हो तो मन चाहता है कि तुम्हारे बारे में सोचता रहूं। शायद इससे पहले ये बात इतनी सादगी से किसी और ने नहीं कही होगी। कौन सी बात? वही बात जिसे सुनकर दिल में फूल खिलने लगते हैं और जवां हथेली से मेहंदी की खुशबू आने लगती है। सुनीता! अरे ओ सुनीता, अरे जल्दी करो, तुम्हें कॉलेज में देर हो जाएगी, लाला जी का खाना ठंडा पड़ जाएगा और मुझे डांट पड़ेगी सो अलग। ओहो गोपाल भैया आ रही हो, मुझे पता नहीं कि मेरी किताबें कहाँ है। ये तेरी किताबें तो सवेरे से मेरे रूम में पड़ी थी। ये आजकल क्या हो गया है तुझे, खोई खोई सी रहती? नहीं नहीं बीजी। ओके बाय बीजी। अच्छा ओ बीजी। सुनीता, सुनीता क्या हुआ गोपाल, इसे क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं बीजी, इसे अचानक चक्कर आ गया और ये गिर गई। चलो इसे जल्दी से कमरे में ले चलो। जॉन तुम जल्दी से अस्पताल में फोन करो। जाओ बताओ ना क्या बात है। बीजी सुनीता मां बनने वाली है। ये तू क्या कह रही है? अंजू अगर तुमने मेरी बहन पर पाप लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बोलो ये झूठ है, बोलो ये झूठ है। गोपाल अगर सुनीता तुम्हारी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है, और इतना ही नहीं मैं एक डॉक्टर हूं और कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ओ मेरी बेटी, मेरी अपनी औलाद, इतनी कमी कि आज खानदान को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे खानदान की इज्जत को निराम करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। लाला जी रुक जाइए, ये आप क्या करने जा रहे हैं? गर्दन पाप को करना चाहिए, बचाओ मेरे रास्ते से। सुनीता को मारने से बात नहीं बनेगी बल्कि और फैल जाएगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप नहीं सुनेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी, सब लोग हम पे हंसेंगे। लाला जी इसका एक और रास्ता भी हो सकता है। लाला जी क्यों ना हम उस बदमाश को पकड़े जिसने हमारी मासूम बच्ची को बर्बाद किया है। मैं जानती हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। हाँ लाला जी हाँ। कौन है वो? लाला जी की पगड़ी पर कीचड़ उछालने वाला जिंदा नहीं रह सकता। Thank you.
लालाजी, मैं इसे जान से मार दूंगा। बेवकूफ, दुनिया को क्या बताएगा कि तूने इस जलील गुल्लू को जान से क्यों मारा? इसने मेरी बहन की इज्जत लूटी है, मैं इसे जान से मार दूंगा मामा जी। बेवकूफ, इसने सुनीता की इज्जत रात के अंधेरे में लूटी थी और तू दुनिया के सामने दिन के उजाले में हवेली की इज्जत लुटाना चाहता है। जानते हो, अगर लोगों को ये बात मालूम हो गई, सबका मुंह काला हो जाएगा और लालाजी आत्महत्या कर लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, कि मैं इसे छोड़ दूं? नहीं, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसे हमेशा बांध कर रखेंगे। इसी की शादी हम सुनीता से करवाएंगे। हाँ, मैं नहीं करूंगा सुनीता से शादी। बेवकूफ, तुम्हें लालाजी की कसम गोपाल, तुम जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। जाओ जाओ यार मामा। ये मैं सदके मैं कुर्बान, हमारी स्कीम कामयाब हो गई, लड़की तेरी और दौलत मेरी। हाँ, अरे वो सब तो है ठीक, लेकिन मामा तुम्हारी हर स्टोरी का क्लाइमेक्स होता है, उसमें क्यों एक्शन होता है? हाँ, साले ने ऐसे जख्म दिए, मैं तुम्हें क्या? अरे बेवकूफ, इन जख्मों के लिए सोने का मरहम और चांदी की पट्टियां भी तो मिलने वाली है। चल जुमैरा जी, घर घर में आपका इंतजार हो रहा है, चलिए चलिए। हवेली का सदके मैं कुर्बान। आओ बच्चों, देखिए तो सुनीता की पसंद कितनी अच्छी है। तो फिर तुम भी अपनी पसंद से कर लेती? ओ मैं सदके मैं कुर्बान। अरे छोटे जवाई राजा, बीजी के चरणों को छुओ, इन्हीं चरणों के नीचे तेरा स्वर्ग है अब। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। बड़ा सुशील है, भगवान इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हाय हाय, हमारी जोड़ी को भी। चुप बैठो। नमस्ते जी। बीजी, लाला जी कहाँ है? तू समझता है? लाला जी सागर में अगर मेला घुस जाए तो सागर मेला नहीं होता। आप भी तो दया धर्म के सागर हैं लालाजी। लालाजी, सुनीता को क्षमा कर दीजिए। कुल्लू जो कुछ भी है, इस घर का जवाई है, भूल जाइए इन बातों को लालाजी। लालाजी आइए। प्रणाम। देखो बलविंदर, इस घर के जमाई होने की हैसियत से तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम जो कहोगे सो होगा, मगर हमारे घर की आन और शान पर धब्बा न रखने पाए। नहीं, वरना हम दोबारा माफ करने के आदि नहीं। लालाजी मैं आप नहीं 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 मैं सदके मैं कुर्बान। लालाजी, गुल्लू बड़ा अच्छा लड़का है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप चलिए लालाजी, ऊपर जाकर आराम कीजिए। देखो गुल्लू, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। 50-50। हाँ। अरे मामा, अब मैं आ गया हूँ, अब सब हो जाएगा ठीक। शाबाश शाबाश शाबाश। अब जा, अब तू जा, जाकर स्वागत मना। अरे जा, मामा जा, जा, मना चुका हूँ दोबारा। ओए मैं सदके मैं कुर्बान। अरे नहीं दूंगी। अरे अनीता क्या कर रही हो? देखो अनीता, देखो मेरी डायरी मुझे दे दो। देखो अनीता, किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। अनीता अनीता मेरी डायरी मुझे दे दो। अनीता अनीता, मैं ये जानना चाहती हूँ इस डायरी में मेरा नाम कहाँ लिखा है? तुम्हारा नाम तो मेरे दिल पे लिखा है अनीता, उसका सबूत दे दूँ? ओके डार्लिंग, बाय बाय, लव यू। डार्लिंग, आपकी वाइफ क्या कह रही थी? वही जो हर हिंदुस्तानी औरत कहती है।
कि शाम को जल्दी घर आ जाना। लाड़ू साहब, कुल्लू भैया आप? सुना था कि करीब होना चाहिए मालिक और नौकर को, मगर इतने करीब होना चाहिए यह आज पहली बार देखा है। वो ये तो मेरी ची 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 ची, कैसी गंदी बात सोच रहा है। मैं तो कारोबार की कर रहा था बात। यार गुल्लू, तुम तो बड़े समझदार आदमी मालूम होते हो यार। इसका मतलब ये हुआ कि जब रोटी पूरी ना मिले तो उसे आधी आधी बांट लेना चाहिए। यार सुरेश, अपनी रोटी आधी आधी नहीं, अपनी रोटी के टुकड़े होंगे तीन। तीन? ये तीसरा कौन है भाई? ओए मैं, राजेंद्र उर्फ जिंदर उर्फ मामा। अरे गुल्लू बाचा, मेरे बगैर लंका में आग नहीं लग सकती। हाँ मतलब ये कि हमारे बिना सब कुछ हो सकता है? नकारे हैं, बेवकूफ है मैं और साढ़ू साहब। बल्लू ठीक कहता है, आपकी मामागिरी कब तक चलेगी? ओहो यार, तुम तो तबेले के भैंसे ही रहे। अरे बरखुरदार इतना भी नहीं जानते कि काम करने के लिए दो आंखें, दो पैर, दो हाथ चाहिए होते हैं। हाँ और वो मजबूत हाथ हम हैं मामा। ओए मैं सदके जावा। गुल्लू बेटा, ओए ओए, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा का फोन है, मुझे घर जल्दी बुलाने के लिए उसने व्रत रख छोड़ा है। सुबह से फोन पे फोन किए जा रहे हैं। मुझे देना फोन। हेलो बिटिया, मैं मामा जिंदर बोल रहा हूँ। मामा जी वो अभी तक नहीं आए हैं। आप तो जानते ही हैं कि आज जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते मैं पानी भी नहीं पी सकती। लेकिन बिटिया वो भी नहीं आ सकता, उसके कांधों पर काम का पूरा बोझ पड़ा हुआ है। जी मामा जी, वो थोड़ी देर के लिए गुल्लू भाई साहब काम नहीं संभाल सकते? अरे वो अभी नया है ना, अरे जो एक जिम्मेदारी उसे दी है वही नहीं संभल रही है उसे। ठीक है मामा जी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उन्हें जरूर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ बिटिया, जल्दी भेज दूंगा। ओहो कल ऑडिटर्स आने वाले है ना। हाँ हाँ, मैं उसे बहुत जल्दी भेज दूंगा। वैसे भी मैंने उसका सारा बोझ अपने कांधों पर ले लिया है। बाय बाय। ये क्या है? जी जी, ये जेब खर्च है जो इस घर में हर महीने सबको मिलता है। ये रहा आपका हिस्सा, सिर्फ 2000 रुपए। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दक्षिणा, निकल जाए यहाँ से, चल चल चल। देखिए जवाई बाबू, ये तो सिर्फ जेब खर्च है, बाकी सब चीजों का इंतजाम तो हो जाता है ना। ये जेब खर्च है? अबे इससे ज्यादा तो मैं होटल में वेटर को दे देता हूँ। उठाइए कचरा और डाल दे लाला जी की छड़ी में। साले मुझे नहीं मालूम था कि भिखारियों के घर में शादी कर रहा हूँ, अगर मालूम होता तो कभी नहीं करता शादी। साले झूठे मक्का कह के। जवाई बाबू, आप लाला जी को गाली दे रहे हैं। इससे भी ज्यादा दूंगा गाली। शादी से पहले क्या वादे थे, वो क्या बातें थी। बेटे जो चाहोगे होगा, जो मांगोगे मिलेगा। क्या मिला, क्या हुआ है? आपसे किया हुआ कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ जवाई बाबू? लाला जी के चमचे, जाके कह दे तेरे लाला जी से अगर मुझे हर महीने 50,000 रुपए नहीं मिले तो मैं इस घर में एक मिनट में नहीं रुकूंगा। क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप रहो। धीरे बोलिए जवाई बाबू, अगर लाला जी और पीजी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? मैं किसी की चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ तेरे लाला जी से और तेरी पीजी से। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, अपने हक मांग रहा हूँ। मैं कोई भिखारी की वो नहीं हूँ झोली जिसने जो कहा डाल दिया और मैंने ले लिया। मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, अगर मुझे 50,000 रुपए नहीं मिला तो इस हवेली के अंदर वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। अरे छोड़ के चला जाऊंगा लाला जी की लाडो बेटी को। कैसे कैसे लाला जी से 50,000 रुपया महीना नहीं मिला तो छोड़ दूंगा इसे। शादी का टाइम तो बड़े वादे किए थे।
सुन लिया मैंने। क्या कह दो ऐसा हराम उस जंगली हराम ज्यादा ऐसी कहने लगा। अगर वो घर से जाना जाना चाहता ना अभी चला जाए अभी। केदारनाथ को प्यार से मांगे तो मैं अभी अभी जान दे सकता हूँ। मैं अपना दिल काट कर दे सकता हूँ उसे। हाँ मगर मगर धमकी पर एक कोड़ी भी दूंगा उसे। हाँ गुस्सा मत कीजिए लाला जी, ये अपनी घर की इज्जत का सवाल है। अगर जवाई बाबू चले गए ना तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे हो जाने दे बदनामी। हाँ मैं उसकी धमकी से डर जाऊं उसकी बात पूरी कर दूं ये चाहते हो तुम? ये नहीं होगा मुझसे। नहीं होगा। लाला जी सुनीता के बारे में तो सोचिए, वो जवाई बाबू के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अरे मर जाने दे उसे, उसी की वजह से वो कमबख्त घर में आया है। लाला जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात का मान रख लीजिए, जवाई बाबू की मांगे पूरी कर दीजिए। लाला अरे गोपाल मैं कहता हूँ। लाला जी पचास हजार रुपए दे दीजिए लाला जी। ठीक नहीं कर रहा था आदमी को उंगली का सहारा दो ना तो पूरा हाथ ठीक जाता है। आज 50,000 मांग रहा, कल 1,00,000 मांग रहा, फिर 2,00,000 मांग रहा वो। ए मामा ये देखो माल, बुड्ढे का माल। अरे कितना माल है? पूरे 50,000। मैंने दे दी धमकी, 2,000 से हो गए 50,000। भाग्यशाली हो दोस्त, यहाँ तो मांग मांग कर थक गए और कभी कुछ नहीं मिला। तो मैं सदके जावा बड़े जवाई, मांगा तो देवी देवता से जाता है, बाकी सब छीना जाता है। मैंने छीना है? अरे पर क्या छीना है छोटे जवाई? हाँ सिर्फ 50,000 रुपए, साल के 6,00,000। अरे इनमें से तो एक अच्छी गाड़ी भी नहीं आती। पर मामा इससे ज्यादा माल निकाला भी तो नहीं जा सकता। ओए होए कैसी बातें करते हो बड़े जवाई, और वो भी जिंदर मामा से है? जो हथेली में चांद बना सकता है और उसमें छेद भी बना सकता है। ओए जिंदर मामा अगर तुम लगवा दो बड़ा हाथ तो मजा आ जाएगा। हाँ कुछ ऐसा ही करो मामा कि ये मांगने का सिस्टम ही खत्म हो जाए, सारा का सारा माल अपने कब्जे में हो जाए। बंटवारे के लिए तैयार हो तुम लोग? तैयार हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी सोचने के लिए तैयार हूँ। कल तक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि सारा खजाना सीधा हम लोगों की जेब में होगा। प्लान के मुताबिक जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा। लाला जी मैं कोई सीमेंट की कोई मामूली बिल्डिंग थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो इस बिल्डिंग को इतनी मजबूत बना रहा हूँ, इतनी मजबूत बना रहा हूँ कि ताजमहल की मजबूती भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। बरकरार ताजमहल तो एक मकबरा है, हम बिल्डिंग बनाते हैं। मेरा मतलब नहीं समझे आप लाला जी, आपका ऑफिस भी तो इसी बिल्डिंग में बनना है ना भाई साहब? वो ऑफिस के प्लान आ गए हैं, आप उन्हें देख लीजिए मेरे ऑफिस में। चलो चलो चलो। नमस्कार लाला जी। मुनीम जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? अच्छा हो लाला जी, ठीक है। हिसाब किताब जबानी याद है, रुपए पैसे के साथ कहिए तो बता दो। ओए रोको, लिफ्ट का रोको। और कुछ काम है? हाँ कुछ चेक साइन करवाने हैं। जिंदर का ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ भिजवा देना। अच्छा जी, अच्छा जी।
मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। बंद करो इलाज गाना, हम क्लब चलाते हैं, कोई यतीम खाना नहीं, यहाँ पर लोग शराब शबाब और कबाब के लिए आते हैं, तुम्हारे रोने धोने के लिए नहीं। जगदीश भैया। क्या भैया, क्या जगदीश भैया, तू यहाँ पर मुझसे दूध बिकवाएगा? दूध बेचूंगा मैं यहाँ पर, दूध बेचूंगा मैं यहाँ पर? आइए, कोई गीत है? आप इस गीत को ही नहीं, इस गीत के साथ जुड़ी हुई मेरी यादों को भी जलील कर रहे हैं। अरे पहले सुर ठीक कर, सुर। देखिए जगदीश भैया, आप इस वक्त होश में नहीं है और मुझे एक नया आइटम पेश करना है, मेरे पास वक्त कम है, मुझे काम करने दीजिए। एक मिनट, तुम काम करोगे मेरे हिसाब से करोगे, मेरे ढंग से करोगे लांडे? अभी पिद्दी हो, सिकंदर नहीं हो तुम, बंबई का एक गटर हो, समुंदर नहीं हो तुम। जगदीश साहब, किसी के सब्र को इतना मत आजमाइए, ज्यादा रगड़ पड़े तो चंदन में भी आग लग सकती है। शट अप यू बिच। छक्के मिले थे तुमको, सिकंदर नहीं मिला, अब तक गटर मिले थे तुमको, समंदर नहीं मिला। शो में अगर ये शेर मैं पब्लिक को सुनाता तो जानते हो क्या होता? तालियां बजती तालियां, और वो भी ऐसे। बस प्रभात, हाथ मत उठाना। ना 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 ना, हाथ तो इसका उठ गया, अब ये धरती से उठेगा। प्रभात, तेरी तो शाम हो गई। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा डैड। प्रभात मेरे बच्चे, इसे माफ कर दो। अंकल, आप नहीं जानते, इसने मुझे गाली दी। मैंने सब कुछ सुन लिया, अपनी बदतमीजी के लिए जगदीश को तुमसे और प्रभात से माफी मांगनी होगी। मैं और शराब बोलते नहीं है, सिर्फ माफी मांगते हैं। ठीक है, मुझे माफ कर दे। चलो अनीता। डैड, मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जगदीश, तिलों से जब तेल निकाल लिया जाए तो बचे कुचे को फेंक दिया जाता है, लेकिन इन तिलों में अभी तेल बाकी है। अरे कहां चले गए सब? अरे बीजी, बीजी, अरे ओ लाला जी, आशा सुनीता, देखो मैं आ गया। अरे कहां चले गए सब? मैंने कहा था ना कि अगर गोपाल इस घर से एक दिन के लिए भी चला जाए ना तो इस घर में सन्नाटा छा जाएगा। हो गया ना सन्नाटा? अरे भाई, इस घर में कोई है या नहीं? देखो मैं आ गया। अरे आशा, अरे आशा, देखो मैं। ए आशा, तू रो क्यों रही है? क्या बात है सुनीता, तुम लोग सब रो क्यों रहे? बीजी, बीजी, बीजी।
मैं लाला जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता बीजी, जिंदा नहीं रह सकता। क्या बात है प्रभात, इस अखबार में जरूर कोई ऐसी खबर छपी है जिसे पढ़कर मारे खुशी के तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। विख्यात उद्योगपति श्री लाला केदारनाथ शर्मा का देहांत। अंकल, इस अखबार में यह तस्वीर मेरे जन्मदाता की है और यह खबर उनके स्वर्गवास की। तुम आज मुझे माजी की वो बिजली दिखा रहे हो जो मेरे कल की तमाम उम्मीदों पर गिरने वाली है। मैं सारी दुनिया से यह कहता रहा कि प्रभात और जगदीश मेरी दो आंखें हैं, बल्कि सच तो यह है कि जगदीश से ज्यादा तवज्जो मैंने तुम पर दी और आज तुम है। आज तुम लाला केदारनाथ की करोड़ों की जायदाद के वारिस हो गए हो, करोड़ों के मालिक बन गए हो। अब इस गरीब राजेश्वर नाथ की औकात ही क्या है? अंकल ऐसा मत कहिए, मैं बर्फ से ढकी हुई हिमालय की एवरेस्ट चोटी को तो नंगे पांव पार कर सकता हूं, मगर मेरा जमीर बगैर आपकी इजाजत आपके रिश्ते की इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अंकल इस वक्त प्रभात की बीजी कितनी अकेली होंगी, उन्होंने इसे बचपन से कितना याद किया होगा, इस वक्त उनको प्रभात की जरूरत है। बेटे अगर तुम इतने बड़े घर के बेटे हो तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अंकल बचपन में मैंने एक बार गोपाल पर गोली चलाई थी और मैं डर के मारे घर से भाग आया था कि कहीं मुझे फांसी ना हो जाए, मगर लाला जी के मौत के साथ मुझे गोपाल के जिंदा होने की खबर भी मिली। अंकल अगर गोपाल जिंदा है तो फिर मैं खूनी नहीं हूं, तो फिर मुझे जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहिए। ये गोपाल कौन, तुम्हारा नौकर है? नहीं अंकल, वो नौकर नहीं, मेरे भाई जैसा है। तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, अगर तुम वहां जाकर मुझे भूल भी गए तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि इस राम ने अपने वनवास के दिन मेरे यहां गुजारे। जाओ बेटे, जाने की तैयारी करो। थैंक यू अंकल। जगदीश, वही जगदीश जिसके बाप ने तुझे पाला पोसा, सिंगर बना, स्टार सिंगर, और आज तुम के एहसान के बदले यहां से भाग रहा है। नहीं जगदीश, तुम्हें नहीं मालूम मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरी माँ को आज मेरी जरूरत है और मेरे बाप को तेरे। जगदीश तुम लोगों के एहसान के बदले तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन आज मेरा रास्ता मत रोको। ना ना ना, मैं तुम्हारा रास्ता रोकने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाने आया हूँ जहाँ से कोई लौट के नहीं आया है। चलिए वकील साहब, जल्दी से पढ़ दीजिए वसीयत। हाँ हाँ, देखे तो सही कि लाला जी ने किसको किस काबिल समझा है। मैं लाला केदारनाथ वल्द लाला सरदारी लाल बाहोशो हवास ये वसीयत करता हूँ कि जब तक मेरे बेटे प्रभात की मौत का पूरा सबूत नहीं मिल जाता, मेरी जायदाद तकसीम नहीं की जाएगी। प्रभात इंडस्ट्रीज और मेरा दूसरा तमाम कारोबार उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह मेरी जिंदगी में चलता रहा है। भगवान ना करे अगर प्रभात वापिस ना आए या उसकी मौत का कोई सबूत मिल जाए तो मेरी धर्म पत्नी श्रीमती शांति देवी को पूरा हक होगा कि वो मेरे कारोबार और जायदाद को जिस तरह मुनासिब समझें बांट दें, लेकिन तब तक शांति देवी मेरी हर चीज की अकेली वारिस होंगी। मैं नहीं मानता इस वसीयत को। गुल्लू ठीक ही कह रहा है, इतनी बड़ी जायदाद
इतना बड़ा कारोबार लाला जी ने बीजी के सर पर डाल दिया है। घर में बैठने वाली स्त्री इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती है? जैसे आज तक संभालती रही है मामा जी। तू फिर बीच में बोला। वकील साहब आप जा सकते हैं। जी गोपाल ठीक कह रहा है, तुम लोग आज तक जो कुछ करते आए हो उसी तरह करते रहोगे। उससे लाला जी की वसीयत भी पूरी हो जाएगी और तब तक शायद प्रभात को अपनी बदनसीब माँ की याद आ जाए और वो लौट आए। बीजी बीजी प्रभात जरूर आएगा बीजी। अरे बीजी प्रभात मर चुका है कब का। आप लोग भी जाइए और जाकर बीजी का ख्याल कीजिए प्लीज। तुम लोग भी जाओ, सब जाओ। तुम लोग फजूल बातें करके सिचुएशन को खराब मत करो। अरे मामा जी पूरी लाइफ खराब हो गई, साला बुड्ढे को मारकर भी कुछ नहीं मिला। तो एक बात बोलता हूँ, मैं इस बुढ़िया को ही खत्म कर देता हूँ। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। तुम लोगों की ऐश में अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? बस देखते जाओ तुम लोग। करेंगे हम, करेंगे बीजी। आ गए ये सब किसके लिए? ये सब तेरे लिए लाली, सब तेरे लिए। हाय हाय ओए मैं मर जावा, ओए मर जावा। हाय हाय अरे तेरे ये झूठ कहने के अंदाज पर 100 सच कुर्बान मेरी जान। सच्ची ओहो छोड़ो छोड़ो सारी मसल रही है। तो मेरा दिल मचल रहा है, उसका क्या होगा मेरी जान। किसके ब्याह में जा रहे हो? नहीं 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 बीजी, वो बात दरअसल ये है कि नहीं, दरअसल लाली के इन गहनों का बहुत महीने पहले ऑर्डर दिया था, सुनार आज ही लेकर आया है, बस उन्हें डब्बे खोल कर दिए हैं। ये हंसी और मस्ती भी किसी डिब्बे से निकली है जिंदा जी? ओ मस्त के हंसी तो लाला जी के साथ ही चली गई बीजी। लाला जी के साथ मेरे सिंदूर के सिवा और कुछ नहीं गया। इस घर की मान मर्यादा परंपरा कुछ नहीं बदला, सब कुछ उसी तरह है और उसी तरह रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप हैं जी तब तक यहाँ कुछ भी नहीं बदल सकता जी। इसीलिए कह रही हूँ इस घर में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़े। क्या अपने आप को ड्राइवर है तो गाड़ी चलाए, चलाता है जबान बस। हेलो स्वीटहार्ट, ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो जैसे इरादा हो खून का। आपको शर्म नहीं आती शराब पीकर घर लौटते हुए? बहुत शर्म आती है साला, घर भी कोई लौटने की जगह है, खुद ड्राइवर मेरे पीछे ही पड़ गया। क्या लगा घर चल तो किधर हो तो जाने क्या कराओ साला ड्राइवर, मैं मार डालूंगा इसका। जाने शोर मत मचाइए, सुनिए
चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए, चुप मत हो जाइए, बीजी को मालूम हो जाएगा, क्या मालूम हो जाएगा उस बुड्ढी का साली। मुझे जो मालूम होना था वो हो चुका, आज मुझे अपनी हैसियत भी मालूम हो गई और तुम्हारी औकात भी। लाला जी ने ठीक कहा था, बिच्छू को पालने से वो डंक मारना नहीं छोड़ता। साली बुढ़िया, मुझे बिच्छू कहती है तेरी तो। जवाई बाबू, जिस देवी पर तुमने अपना हाथ उठाया आज तक उसके सामने किसी ने अपनी आंख भी नहीं उठाई। माफी मांगो, मैं कहता हूँ माफी मांगो, वरना बीजी के चरणों की सौगंध तुम जिंदगी भर अपने पैरों पर भी चल नहीं सकोगे। माफी मांगो। कपाल! सुनीता, बीजी इसकी ये मचाल किसने अपने मालिक पर हाथ उठाया? गोपाल निकल जाओ इस घर से। सुनीता, आप ही के सर चढ़ाने से आज इसकी ये हिम्मत हुई, इसने आपकी जवाई को मारा है। सुनीता कैसी बेटी है तू, तूने ये तो देख लिया कि मैंने जवाई बाबू पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं देखा कि इसने क्या किया। वो हमारा आपस का मामला है, तू कौन होता बीच में बोलने वाला? ओए मैं सदके, सुनीता बिल्कुल ठीक कहती है, नौकर को नौकर ही रहना चाहिए। ओए तू कौन होता है मालकों के बीच में बोलने वाला है? मामा जी, मामा जी पीजी मेरी माँ है, इनका अपमान कोई भी करे ये मैं देख नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। गोपाल बेटे से ज्यादा बेटा बनने की कोशिश मत करो, जितना मिल चुका है उतना बहुत है। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया था? राज गुस्सा छूट दो, तो छूट दो, चल चल चल, क्यों अपने कमरे में बैठ जाओ, तुम भी अपने कमरे में जाओ, जाओ चल 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 चल, ले जाओ ले जाओ, तुम भी अपने कमरे में जाओ, जाओ नहीं छोड़ो इसको, मैं जिंदा नहीं छोड़ो नहीं। अरे बीजी, बीजी गलती तो मेरी थी, मैं तो ये भूल गया था कि गुल्लू बाबू इस घर के जवाई है और उनकी इज्जत करना मेरा धर्म है। और बीजी ये सुनीता है ना, सुनीता कितनी होशियार है, उसने मुझे थप्पड़ मारकर सारी बात कैसे संभाली, वरना जवाई बाबू तो तूफान खड़ा कर देते। बीजी बीजी आपकी कसम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, भाई बहन में तो झगड़े होते ही है ना। बीजी आप जाकर सो जाइए, सो जाइए बीजी। गोपाल हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, बीजी हम सबको क्षमा कर देना। बिरादरी वालों, आज इस हवेली में इकट्ठा होने का कारण आप सब लोगों को मालूम है। भाई लाला केदारनाथ को परलोक सिधारे 13 दिन हो चुके हैं, आज हमें उनका वारिस चुनना है और लाला जी की पगड़ी उसके सर पर रखकर वो सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप देनी है जो एक कर्ता की होती है। अगर आज प्रभात होता तो इस पगड़ी पर उसका अधिकार था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। यहां 3 आदमी ऐसे हैं जिनको ये पगड़ी पहनाई जा सकती है, वो हैं लाला जी के बड़े जवाई सुरेश बाबू, छोटे जवाई गुल्लू बाबू और लाला जी के साले राजेंद्र बाबू। अब मैं बिरादरी की तरफ से लाला जी की विधवा शांति बहन से ये पूछना चाहता हूं कि लाला जी की चौकी पर वो इन तीनों में से किसको बिठाना चाहती है? ओए मैं सदके, इसमें सोचने की क्या बात है बीजी, पगड़ी कोई भी पहले, काम तो जैसे पहले चल रहा था हमेशा वैसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक बीजी, ये तो एक रस्म है। बताइए बीजी किसको पहनानी है हम तीनों में से पगड़ी? किसी को भी नहीं। बीजी
अगर पगड़ी की रस्म नहीं करनी थी तो बिरादरी को बुलाया क्यों? लाला जी की पगड़ी वो संभालेगा जो संभालने के लायक हो। गोपाल मेरे पास आ, बैठ चौकी पर। जी, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। यह कभी नहीं हो सकता। हमारे जीते जी लाला जी की गद्दी पे बैठेगा एक नौकर। हम ये फैसला कभी नहीं मानेंगे बीजी। ओहो, मैं पूछता हूँ बीजी, सारी बरादरी के सामने हवेली का नाम बदनाम करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि लाला जी की आत्मा पर क्या गुजरेगी? सिंदर, मेरे भाई, लाला जी की आत्मा का ध्यान बड़ी देर से आया। उस वक्त नहीं सोचा जब तुम दोनों हाथों से लाला जी को लूट रहे थे, अपनी बीवी के लिए जेवर और चूड़ियां ला रहे थे, लाला जी की मौत का जश्न मना रहे थे, भूल गए? बीजी, मामा जी ना सही, मेरा हक तो है, मैं तो इस घर का बड़ा जवाई हूँ। मैं जानती हूँ जवाई राज, और ये भी जानती हूँ कि दफ्तर में क्या हो रहा है। गोपाल को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाने की तरकीब किसकी थी? बीजी, मैंने तो हमेशा ही किया आपकी सेवा। तुम्हारे जैसी सेवा तो आज तक किसी जवाई ने नहीं की। शराब के नशे में उठे हुए तुम्हारे हाथों के निशान मेरे गालों पे नहीं, मेरे दिल पर है। दिल पर बिरादरी वालों, अब आप भी बताइए, इन तीनों में से कोई भी इस लायक है जो लाला जी की गद्दी के पास तक भी पहुंच सके? मगर शांति बहन, आपको इन तीनों में से एक को चुनना होगा, यही रस्म है। अगर यही रस्म है तो आज मैं उस रस्म को तोड़ती हूँ। लाला जी की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद की मालकन मैं हूँ, और मेरा फैसला है कि लाला जी की पगड़ी गोपाल को दी जाए। ठीक है शांति बहन, फिर आप वही कीजिए जो आप चाहती हैं। हम बरादरी वालों को माफ कीजिए। चलो भाइयों, उठो बहनों, चलो 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 आओ गोपाल, बैठो। पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। ओम शांति सूर्यो, शांति चंद्रो, शांति मंगलो, शांति बुद्धो, शांति बृहस्पतयो, शांति शुक्रो, शांति शनित्रो। ओम ब्रह्म मुरारे स्त्रीभ्रांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वग्रह शांतिकर भवन्तु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता जी को प्रणाम की। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो, बचपन से लेके आज तक मेरी प्रार्थना, पूजा, सपने सब पूरे हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। तुम्हारे मन की झोली बहुत छोटी निकली गोपाल। क्या मतलब? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसा आदमी लाला जी की गद्दी पर बैठने के लिए सपने देखता होगा, उनकी धन दौलत पाने के लिए बचपन से लेकर आज तक पूजा प्रार्थना करता होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें हो क्या गया? वही जो तुम्हें हो गया है। अरे जो मुझे हुआ है वो पूरी हवेली को हो गया। दीजी मिठाइयाँ बांट रही है, मामा जी मंदिर गए हैं, आशा सुनीता घर सजा रही है, और मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि हम दोनों मिलकर खुशियाँ मनाएं, और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। लेकिन हवेली में किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही है? लो, तुम्हें पता नहीं? ये लो पढ़ो।
अरे प्रभात आ रहा है, प्रभात। प्रभात, प्रभात जिंदा है? बीजी, बीजी, प्रभात, मेरे बच्चे, प्रभात, प्रभात, इतने दिन तू कहाँ चला गया था? लाला जी आखिरी दम तक तेरी राह देख रहे थे। काश तू कुछ दिन पहले आ जाता प्रभात। लाला जी का जाना ही मेरी आने की वजह है बीजी। क्या है कि उनकी मौत की खबर के साथ से यह न छपा होता कि गोपाल अब तक जिंदा है, तो बीजी मैं अपने आप को खूनी समझकर हमेशा के लिए छुपा हुआ रहता। अपने खून भरे हाथों से बीजी आपके पांव कभी नहीं छूता, आपके पांव कभी नहीं छूता। प्रभात, छोटे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। छोटे मालिक, मेरी वजह से आपको बहुत दुख सहना पड़ा। गोपाल, तू गोपाल है ना? अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तेरी जान लेने की कोशिश की। भैया, बीजी ये प्रभात, तुमने इन्हें नहीं पहचाना? ये तेरी बहन आशा और ये तेरी छोटी बहन सुनीता, ये दोनों तेरे बहनों ही हैं, सुरेश और गुल्लू। ओए मैं सदके, ओए मैं कुर्बान, सबके सब आंखों के नल खोले खड़े रहोगे या कुछ और भी करोगे? हाँ, अरे इस खुशी के मौके पर ऐसा क्या करते हो? अरे मैं तेरा मामा भांजे, ये तेरी मामी। अरे चले लाली, पूजा वूजा कर अपने भांजे की। हाँ ये है ना वो बंदूक, फेंक दो इसे, हटा दो इसे यहां से। आज के बाद इस हवेली के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हमें दुख पहुंचाए। आज के बाद इस हवेली के अंदर एक नया दौर चलेगा, सुख शांति का दौर, ऐशो आराम का दौर। क्यों बीजी? हाँ बेटे, अब तू आ गया है ना, तो इस हवेली में फिर से खुशियां लौट आई हैं, फिर से खुशी के दीप जलेंगे। हाँ बेटे, इतनी दौलत? लाला जी ने बड़ी मेहनत और लगन से ये दौलत जमा की थी, लेकिन तुझे दिखाने का अरमान लेकर ही चले गए। कमाल है बीजी, आज तक मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज रहा और यहाँ पर इतना चांदी और सोना। ये सब कुछ तुम्हारा है, आज से मैं आजाद हो गई। ये लो चाबी। एक मिनट। बड़ी आई आप रिटायर होने वाली, आप इस घर की मालकिन है, कोई खजांची नहीं जो रिटायर होते वक्त दूसरों के हाथ में चाबी दे देते। अरे पगले, प्रभात भी तो इस घर का मालिक है। अरे ये छोटे मालिक है, बड़ों के होते हुए छोटों को मुसीबत लेने की क्या जरूरत है? क्यों छोटे मालिक? तुझे कीड़े पड़ेंगे। मेरा मतलब है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बीजी को आराम देने के लिए मैं हर मुसीबत लेने के लिए तैयार हूँ। तो ले लेना, लेकिन उससे पहले पुरानी यादें ताजा तो कर लें। क्यों? आओ बीजी, आओ। आता हूँ, आता हूँ। इसे कहते हैं जब किस्मत हो पांडु तो क्या करेगा श्रीमान, समझ गए ना? प्रभात, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, तुम्हें कुछ कहने आया हूँ।
जो बात मैं दिन के उजाले में न कैसे कहना, वो बात मैं तुमसे रात के अंधेरे में कहने आया। तू हर जगह अपनी टांग अड़ाता है, तेरा इलाज मुझे करना ही पड़ेगा। पहले अपना इलाज कराओ छोटे मालिक, शराब के नशे में अंधे हो गए हो तुम। नौकर होकर मालिकों के साथ जबान लड़ाता है? रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। तुझे मेरी कसम है, आज के बाद हवेली के किसी भी आदमी पे हाथ उठाया तो। आज क्या बीजी, इसे अभी और इसी वक्त हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। बीजी आपने इसे बहुत मुंह चढ़ाया है। मगर बात क्या है? वो मैं इधर। गोपाल गोपाल बात क्या है? बीजी आप अंजू से पूछिए। अंजू अंजू क्या हुआ है? कुछ तो बता क्या हुआ है। गोपाल गोपाल तू ही बता क्या हुआ है। बीजी छोटे मालिक ने अंजू की इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या? नहीं बीजी नहीं, ये झूठ बोल रहा बीजी। नीच, तू मेरा खून होकर इतना गंदा निकला। निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बीजी आपने एक नौकर की शिकायत पर अपनी खुद की औलाद को मारा। बीजी मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चला जा, चला जा यहाँ से। प्रभात को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजी बीजी छोटे मालिक ने शराब पी हुई थी, सब ठीक हो जाएगा। और मैं सदके मेरे भांजे, ये तेरे मुखड़े पर बीजी की पांच उंगलियों के निशान नहीं है रे, बल्कि इस बात का सबूत है कि तेरे अपने ही घर में तेरी औकात पांच कौड़ी की है। हाँ। मैं इस गोपाल के बच्चे को गोली मार दूंगा मामा जी। और मैं मर जावा, इससे पहले भी तो एक बार तू उसे गोली मार चुका है बचपन में, लेकिन वो कमबख्त अभी तक जिंदा है। हाँ। और एक बात को याद रख लेना बांजे, जब तक बीजी है ना तब तक उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। अरे बंदूक तो बहुत दूर की बात है। आपका मतलब है मालिक होते हुए मैं नौकर के हाथों जलील होता रहूंगा? तो इसमें कौन सी नई बात है, हम तीनों भी तो आज तक जलील ही होते चले जा रहे हैं। हम तीनों कौन? अरे भाई मैं और तुम्हारे दोनों बहनोई सुरेश और गुल्लू। क्या वो भी गोपाल का कुछ नहीं कर सकते? खुद ही पूछ लो। ओए, बाहर कान लगाकर सुनने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर चले आओ। उस हरामजादे गोपाल को दिखाने का एक ही तरीका है, नीचा दिखाने का, कि बीजी की नजरों में उसे साबित कर दिया जाए चोर। हरामजादे ने जादू कर रखा है बीजी पर। अरे वो जादू उतारा भी जा सकता है। कैसे? देख बाजी, तू हमारा साथ दे, हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, ये दो हाथ अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आठ के आठ हाथ आपस में मिल जाएं, तो हम भारी से भारी मुर्दे को जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। हाँ। प्रभात, ये गोपाल। मैंने इसके खाने में कैसी दवाई मिला दी है, जिसके खाने के बाद इसके जिस्म में पूरी एक बाटली का नशा हो जाएगा। अब देख तमाशा। तो ऊपर मामा की लाली भी तैयार है। गोपाल गोपाल। मामी तेरा यहाँ ना तो। मामी आपने मुझे बुलाया? मामी हाँ हाँ आओ ना। अरे मैं ठीक हूँ मामी। मामी
से मुझे अकेली पाकर। हे भगवान, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। पीजी, पीजी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही पीजी। मामी, मामी। अविनय शरीर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मामी, मामी, एक मिनट, एक मिनट। इससे मारने की नहीं है जरूरत, इसे दे दो पुलिस में। क्या हुआ, ये क्या शोर है? गोपाल की असलियत सामने आ गई प्रभात, दारू पीकर मामी की इज्जत पर हाथ डाल दिया। मामी की इज्जत पर हाथ, यानी कि बलात्कार। छोटे मालिक, छोटे मालिक, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है और मैं। खामोश। क्या हुआ बीजी, क्या हुआ आपकी गैरत को? अरे क्या हुआ इन हाथों को जो एक बेटे पर उठ सकते हैं लेकिन एक नौकर पर नहीं? मैं पूछता हूँ क्या हुआ आपके इंसाफ को, क्या हुआ आपके इंसाफ को बीजी? बीजी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नीच, ये है तेरी असलियत। मैंने तुझे प्रभात से भी ज्यादा प्यार किया। लाला जी ने तुझे अपना बेटा बनाकर रखा और तूने ऐसी नीच हरकत की। जिंदर और जवाइयों ने तो लाला जी के धन को लूटा, मगर तूने, तूने तो लाला जी की पगड़ी को गंदा कर दिया। वाह गोपाल वाह, बहुत अच्छा बदला दिया तूने मेरे प्यार का। हमारा नमक खाकर हमारी इज्जत से खेला। निकल जा, निकल जा यहां से। दूर हो जा मेरी नजरों से। हाँ हाँ, जा यहां से, निकल, चल 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 बाहर यहां से।
तुझसे जुड़ा है मेरा जीवन, तेरे हैं हम तेरे रहेंगे अंतिम दम तक हम ये कहेंगे, राम करे कैसा हो जाए, राम करे कैसा हो जाए। गोपाल भैया, बीजी ने आपको तो घर से निकाल दिया पर आपके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो बहुत बीमार हैं गोपाल भैया, बहुत बीमार हैं। लालाजी की मौत के बाद कंस्ट्रक्शन का काम मामा जी देख रहे हैं ना? जी हाँ, आपके मामा जी हैं ना हुकुम, वही देखते हैं। मिल और फैक्ट्री की जिम्मेदारी गुल्लू और सुरेश की है ना? जी हुकुम, छोटे जवाहीराज और बड़े जवाहीराज उधर के मालिक हैं जी। मुनीम जी, मैं तुम्हें 4 दिन का टाइम देता हूँ। आज तक इन तीनों ने जितनी भी चोरियां की, जितने भी घपले किए, जितने भी गलत अकाउंट्स दिए, उन सब का मुझे हिसाब चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हिसाब। अरे पर हुकुम, मारे को तो 4 दिन की भी जरूरत नहीं है। ये रहा तीनों का कच्चा चिट्ठा, दिन और तारीखों के साथ देख लो। आज तक सब मिला के 56,93,230 रुपये का घपला हुआ है। क्या बीजी, ये रजिस्टर नहीं है, एक आईना है जिसके अंदर गुल्लू, सुरेश और मामा जी के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। बीजी, ये आपके प्यारे नहीं है, ये सांप के वो सपोले हैं जिन्हें आपने अपनी अस्थि में पाल रखे हैं। तो क्या मेरे अपने ही मुझे लूट रहे हैं? जी बीजी, बीजी ये वो कीड़े हैं जो दीमक की तरह इस हवेली को खोखला कर रहे हैं। हाँ बीजी, मैं अपने जीते जी लाला जी की इज्जत और इस हवेली को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बीजी नहीं देख सकता, मैं पुलिस को खबर करता हूँ अभी। प्रभात, नहीं प्रभात, पुलिस आएगी तब भी इस घर की बदनामी होगी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो निकालिए नमक हरामों का यहाँ से बाहर। भेजिए प्रभात, ये लोग आपकी बर्बादी चाहते हैं, लाला जी की बर्बादी चाहते हैं, हवेली की बर्बादी चाहते हैं, और बीजी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीजी आपको मेरे सर की कसम, आप भी जो बताइएगा। बीजी आपको मेरे सर की कसम। गुल्लू क्यों चिल्ला रहा है? प्रभात क्या है? सुरेश, प्रभात मामा जी निकलो बाहर। ओए मैं सदके मैं कुर्बान, क्या बात है भाई, क्या बात है? ये फैक्ट्री के खाते यहाँ क्या कर रहे हैं? गवाही दे रहे हैं आपकी बेईमानी, 420 और नमक हरामे की। ए प्रभात, क्या कह रहा तू? हम सब है चोर। हम लोगों को चोर कहने से पहले तुमने ये नहीं खामोश। अगर तुम तीनों ये नहीं चाहते कि जेल की सलाखों के पीछे सड़ो तो निकलो यहाँ से। Get out from here! देखो प्रभात, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारी असलियत सामने आ गई तो तुम मेरी असलियत बताओगे? तुम मेरी असलियत बताओगे? तुम विजी जी, विजी प्रभात, अगर तुम तीनों अपनी खैरियत चाहते हो तो अपना बोर या बिस्तरा उठाओ, मुंह काला करो और निकलो यहां से। मुंह तो मैं काला करूं, मैं गुल्लू नहीं। कहाँ भागे जा रही हो भैया? आप राखी बंधवाए बिना कहीं नहीं जा सकते, बोलो क्या दोगे? बंद करो ये नाटक। अगर मेरे वापस आने तक तुम लोगों में से मुझे कोई भी नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ फॉर मी। Thank you.
कौन हो तुम? बिछड़ के मिलना खोके पाना है नसीब की बात। बिछड़ के मिलना खोके पाना है नसीब की बात। हाथ पकड़ ले अब तू मेरा दे आशीष बिसार। कदम कदम पे आ चल तेरा आता जाता सांझ सवेरा। दिल में मन में बन के उमंग तेरा प्यार रहे हर दम। मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा संग रहेगा। मेरा प्यार मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा संग रहेगा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं नाम नहीं, खाना है खाना है। खाना खाओगे? हाँ देनू रामू जल्दी से कुछ खाने को लिया। खाना नहीं खाना नहीं, मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं। कोई नहीं मारेगा तुझे। मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं। अरे मामा जी ये क्या कर रहे हैं आप? गंगा जल नहीं मिला बेटे, अपने आंसू से तेरे पैरों को धोना चाहता हूं। आप सब लोग यहां मेरे घर में हवेली में सब ठीक तो है? गोपाल भैया वो अब हवेली नहीं शमशान है, वहां तो भूतों का राज है। हाँ गोपाल भैया, प्रभात भैया तो हमारे लिए भूत से भी ज्यादा भयानक हो गए हैं। उन्होंने सभी को घर से निकाल दिया है, अपनी सगी बहनों को भी। जब सच उगता है बेटे तो छाती पर आता है। सीधा हवेली से निकलकर तेरे पास आए हैं, हो सके तो हमें माफ कर देना बेटे। कैसी बात करे मामा जी। अरे क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो इसे? क्या किया इसने? चोरी नहीं चोरी नहीं, ये मेरा है। ये देखिए क्या चुराया, एक लकड़ी का टुकड़ा। हाँ गोपाल ये हवेली से लेकर भागा है। हवेली? एक समझदार चोर लकड़ी का टुकड़ा लेकर भागेगा? ये तो पागल लगता है। पागली 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 पागली। अरे भाई इसको देखने तो देना। प्रभात पुरानी यादों का हरा जंगल तो कब का कट गया, इस सूखी लकड़ी पर नाम लिखे थे आज ये भी काट दिया। लकड़ी नहीं ये मेरा है। अजीब पागल है, अपनी जान बचाने का होश नहीं मगर मेरी पुरानी यादों को बचाने का ख्याल है। पागल नहीं पागल नहीं। तू ठीक कहता है दोस्त, तू पागल नहीं। अरे तेरा तो उपकार है मुझ पर कि तूने मेरी दोस्ती की निशानी को चलने से बचा लिया। चल मेरे साथ। हेलो, इतनी रात गए कौन बदतमीज बोल रहा है? तुम्हारा इकलौता बाप। पिताजी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बेटे तुम शायद बहक गए हो। कहीं तुम ये भूल तो नहीं गए कि वहाँ मैंने तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा है? वो बुढ़िया भेजी चाबियाँ देती ही नहीं है। अबे तू जवान होकर उस बुढ़िया से चाबी नहीं ले सकता, लगता है मुझे को आना पड़ेगा। मैं कल शाम को 7 बजे आ रहा हूँ। हाँ पिताजी कल शाम 7 बजे मैं और बीजी मंदिर में होंगे, आप वहीं पे आइएगा। ओम जगदम्बे सर्व कार्य कारिणी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लीजिए बहन जी आयुष्मान भाव। ये क्या बीजी, आपकी आंखों में आंसू? किसी की याद आ गई। ओह लाला जी की याद आ गई होगी। लाला जी की याद तो मेरी हर सांस में बसी हुई है,
लेकिन आज उस बेटे की याद आ गई जिसे बचपन से पाला, जवान किया। उसे यह भी महसूस नहीं होने दिया कि उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, और उसने उसके बदले में मुझे क्या दिया? गोपाल, देखिए बीजी, उसे उसकी किए की सजा मिल चुकी है। मालकिन आए जी, आपसे कोई मिलने आया है। ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? राजा साहब, आप बीजी, यही है वो फरिश्ते जिन्होंने आपके बेटे को दुनिया की पैरों की धूल बनने से बचाकर अपने माथे का चंदन बना लिया था। मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे, लेकिन आप इस तरह पगड़ी हाथों में लिए क्यों खड़े हैं राजा साहब? मुझे मेरा दीपक लौटा दीजिए। क्या? अंधेरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है। मैं समझी नहीं राजा साहब। इस नन्हे और कमजोर फूल को मैंने अपने खून से सींच कर जवान किया, लेकिन जब फल और फूल चुनने का समय आया तो मुझे पता चला कि मैं तो इसके साए में भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये किसी और की अमानत है। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने इसे यहां आने दिया। बहन जी, आप मां हैं, आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि ममता की तड़प क्या होती है। मुझे मेरा प्रभात लौटा दीजिए, मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा लौटा दीजिए बहन जी, मुझे मेरा प्रभात लौटा दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजा साहब? प्रभात, प्रभात मेरा इकलौता बेटा है, इतने दिनों बाद हमने इसे पाया है, अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। प्रभात नहीं राजा साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। प्रभात, ये तो क्या कह रहा है? हाँ बेटी, राजा साहब को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दीजिए। तो क्या इस घर को, लाला जी के नाम को मुझे तेरी जरूरत नहीं? बोल बोल बेटे। अगर आपको मेरी जरूरत होती तो आप मुझसे अपना दुख बांटती, अपनी सेवा करवाती, कोई काम कोई जिम्मेदारी देती, लेकिन आप तो मुझे चक तक साइन नहीं करने देती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप मुझे अपना बेटा ही नहीं समझती, अपना प्रभात नहीं मानती आप। अरे पगले, मैंने तुझे कारोबार से इसलिए दूर रखा था कहीं कामकाज के बोझ से तू परेशान ना हो जाए। बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। प्रभात तो मेरा करोड़ों का कारोबार संभालता था, इससे होनहार बिजनेसमैन मैंने नहीं देखा। अपनी आंख के आंसू भी है मोतियों के भाव बेच सकता है। अगर ऐसी बात है तो कल से मैं सारा कारोबार तेरे हवाले कर देती हूँ। मुनीम जी, कल सारे कागजात प्रभात के नाम हो जाने चाहिए। मेरा मामा चोर है। गाननी, गाननी, गाननी। कि तू ये तस्वीर, ये लकड़ी का टुकड़ा, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? क्या तू प्रभात है? बोल, अरे बोल। सदके, अरे पागल के साथ तू भी पागल हो गया। अरे प्रभात तो हवेली में। ये किसने बनाई है? मामा जी, इसने, इसके पास वो लकड़ी का टुकड़ा भी है जिस पर मेरा और प्रभात का नाम लिखा है, और इसने वही गीत बजाया मामा जी जो बचपन में मैं बजाया करता था। आज मैं प्रभात इंडस्ट्री को उसके असली मालिक प्रभात के हवाले करती हूँ। रुक जाइए बीजी, प्रभात इंडस्ट्रीज का असली मालिक ये नहीं, क्योंकि ये प्रभात है ही नहीं, ये तो एक बहरूपिया है जो आपकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। गोपाल, ये तो क्या बकवास कर रहा है, तू अपने होश में तो है? इस पागल को गौर से देखिए बीजी, यश और सुनीता का भाई, आपका बेटा और मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त प्रभात है। क्या सबूत है तेरे पास के प्रभात है?
अगर आपकी ममता और इसकी मासूम सूरत कोई सबूत नहीं बीजी, तो ये देखिए, ये लकड़ी का टुकड़ा जिस पर मैंने और प्रभात ने अपने नाम लिखे थे। ये पागल इस लकड़ी के टुकड़े को अपने छाती से लगाए घूम रहा है। बीजी, अगर ये प्रभात नहीं है तो फिर इसे लकड़ी का टुकड़ा इतना प्यारा क्यों है? क्यों? इसलिए क्योंकि ये पागल है। दूसरा सबूत है मामा जी की तस्वीर, जिसे प्रभात ने बचपन में बनाई थी। क्या प्रभात के सिवाय वो तस्वीर और कोई नहीं बना सकता? बना सकता था, लेकिन चोर वाली बात प्रभात के सिवा और कोई नहीं लिख सकता था। ये झूठ बोल रहा है बीजी। इसकी नजर हमारी दौलत पर गड़ी हुई थी। मेरे आते ही इसके इरादों पर पानी फिर गया। मैंने इसकी नीयत को पहचान लिया था, इसीलिए इसे घर से बाहर निकाल दिया था। और आज ये एक नई चाल चल रहा है। इस पागल को आपका बेटा बनाकर ये हमारी दौलत को हासिल करना चाहता है। ये झूठ बोल रहे हैं बीजी। ये मक्कार मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बीजी, मैंने इस हवेली का नमक खाया है। मैं नमक हरामी कैसे कर सकता हूँ? यही असली प्रभात है बीजी, यही असली प्रभात है। असली जानने का एक और तरीका है जो हम तुम्हें बताते हैं। कौन है तू? क्या तू ही प्रभात है? क्या तू ही प्रभात है? प्रभात नहीं। मारना नहीं। पागल कहीं का, ये प्रभात है। चला। तो सुन लिया आप लोगों ने कि कौन प्रभात है? ठीक। लाला जी की दौलत को अपने कब्जे में करने के लिए तूने इतनी गंदी चाल चली? अरे तू तो मेरा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त। एक बार मुझे इशारा कर देता तो ये दौलत तो क्या, ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री, ये घर, ये मकान, सब कुछ मैं तेरे नाम पे कर देता। मेरे बचपन का दोस्त है तू। अगर आपको यकीन है कि मैं आपका बेटा हूं, आपका प्रभात हूं, मैं बीजी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये दौलत, ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री, हमारा मकान, सब कुछ इसे इसकी वफादारी का इनाम समझ कर दे दो। बीजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहिए। बीजी, सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहिए, अपनी माँ का प्यार चाहिए, अपनी माँ का प्यार। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस गद्दार धोखेबाज को इनाम नहीं, सजा मिलनी चाहिए। धक्के मार के बाहर निकाल दो इसे, निकाल दो बाहर। मैंने उस जलील को जान से मार दिया था डैड। अच्छा, तो हो सकता है कि प्रभात का भूत ही हमसे बदला लेने आया हो। वो साला क्या बदला लेगा, वो तो पागल है। पागल अच्छे भी हो जाते हैं बेटे, और जब प्रभात जैसे पागल अच्छे होते हैं तो हम जैसे अकलमंद या तो पागल खाने में होते हैं या जेल खाने में। आप तो बेकार में डर रहे हैं डैड। अगर उस साले की अक्ल ठिकाने आए तो मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। एक बात हमेशा याद रखो बेटे, जीत हमेशा उसकी होती है जो पहला वार करता है। बिल्कुल ठीक। तुम? राजा साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, जो पहला वार करे उसी की होती है जीत। मक्खनबाजी बंद कर, तू इधर आया क्यों? इसलिए कि मैं तो तुम्हारा पहला वार। प्यारे प्रभात, कैसी लगी मेरी बात? बड़ी बकवास थी। क्या मतलब? अजी, मतलब तो इस तरह से साफ है जैसे आप लोगों का साफ होने वाला है पत्ता। तू हमारा पत्ता काटेगा? हाँ, हमारा पत्ता काटेगा। होल्ड इट, मैं समझाता हूँ इसे। अब बोलो क्या बात? बात यह है कि आप है नकली राजा और ये नकली प्रभात। मैं वो अंधेरा हूँ जिसके सामने कोई प्रभात नहीं टिकता, चाहे वो असली हो या नकली। पैसा कितना लोगे? आप लोगों के यहाँ आने से पहले मुझे तीसरा हिस्सा मिलता था, मैं तो वो ही लूंगा, तीसरा हिस्सा। प्रभात की जिंदगी और तुम्हारे झूठ के सामने ये तीसरा हिस्सा कुछ नहीं है। मंजूर है। गुड बॉय। चल, चल पाए कि नहीं? मारने नहीं। Ha 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 ha!
मामा जी, मामा जी, क्या 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 क्या, तूने मुझे पहचान लिया? हाँ बेटे, मैं मामा, अरे मैं तेरा मामा, तूने मुझे पहचान लिया बेटे, ये गोपाल देख इसने हमें पहचान लिया। गोपाल? हाँ बेटे, ये तेरा यार है, तेरा बचपन का यार, अरे इसी की वजह से तो हमें तेरा पता मालूम हुआ, वरना हम सब अंधेरे में थे। अरे बेटा गोपाल, तूने दादाजी के खानदान को उनका वारिस लौटाकर बहुत बड़ा एहसान किया है, जीते रहो बेटे, जीते रहो, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। गोपाल बीजी कैसी है? मालिक, बीजी तो उस नकली प्रभात के जाल में फंसी हुई है, हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना वो बहरूपिया न जाने क्या से क्या कर देगा। मैं जानता हूं बहरूपिया कौन है। बीजी, बीजी ये लीजिए, दवा पी लीजिए। नहीं, दवाई पीने को मन नहीं करता। अरे बीजी, अगर आप ये दवा नहीं पिएंगी तो फिर ठीक कैसे होंगी? लीजिए। प्रभात, तू सचमुच चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं? जी बीजी। तू एक बार बचपन में तू गाना गाया करता था, वो मुझे सुना। गीत बचपन का, वो वाला गीत जब मैं छोटा सा था। बीजी, वो बचपन का गाना अब तक कैसे याद रह सकता है? मैं तुझे याद दिलाती हूँ। बीजी आपको मेरी कसम, पहले आप दवा पी लीजिए, फिर मैं आपको गाना सुनाऊंगा, वही बचपन वाला। आप सुनाई गाना? हाँ बीजी, जल्दी। हाँ ले लो। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, अबे क्या कर रहा है? अब मुझे यही करना होगा पिताजी। ये प्रभात की आवाज है, उसकी याददाश्त वापस आ गई है, गोरी की आवाज से हम फंस जाएंगे, अपन मार लेते हैं और चुपचाप खिसक जाते हैं। करेक्ट पिताजी, आजा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मैंने तेरी आंखों में देखा नूर फरिश्तों का, मैंने तेरी आंखों में पूछ न क्या सुख पाया है तेरी मीठी बातों में, मौसम आए मौसम जाए प्यार न दिल से मिटने पाए, हर पल तेरे गीत सुनाए इस दिल की धड़कन, मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। तुझ पर मेरा दिल सदके, तुझ पे निछावर जान मेरी, तुझ पर मेरा दिल सदके, तुझ पे निछावर जान मेरी, तेरे सिवा इस दुनिया में किसको है पहचान मेरी, तेरी खुशी है राहत मेरी, इन कदमों में जन्नत मेरी, छीन नहीं सकता अब तो तेरा प्यार कोई दुश्मन, मेरी आंखों
में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। बेटे मुझे क्षमा कर देना, तू मेरी आंखों के सामने था फिर भी मैं अभागन तुझे पहचान न सकी। बीजी, बीजी यही छोटे मालिक हैं, अब ये सबको पहचान लेंगे। गोपाल तू वहां क्यों खड़ा है? बीजी आपने गोपाल के साथ बहुत बेइंसाफी की थी, इसे घर से बाहर निकाल दिया था और इसे मना किया था कि वो इस घर में कभी कदम ना रखे। गलती सिर्फ बच्चों से ही नहीं बड़ों से भी होती है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर देते हैं वैसे बच्चे भी अपने बड़ों को माफ कर देते हैं। मेरे पास आओ बेटे, आओ गोपाल। काश मैं तेरी बात पहले मान लेती तो आज ही बुरे दिन न देखने पड़ते। बुरे दिन अभी गए नहीं बीजी, हवेली के अंदर ही है। इससे पहले कि वो दोनों ढोंगी हवेली से भाग निकले हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। अजय पुलिस को बुलाने की क्या है जरूरत, हम तो जा रहे हैं वहाँ खुद। जमाई राज तुम भी? बुढ़िया जी गुल्लू का है दौलत से रिश्ता, दौलत है जहाँ गुल्लू है वहाँ। जवाई बाबू ये आप क्या कर रहे हैं? जवाई बाबू देख क्या रहा है गोपाल, मार इसे मार। अब लगता है तुझे शराफत का सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओ मैं सबके मैं कुर्बान हो गया नुकसान। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो रुक जाइए, ये आप क्या करें, रुक जाइए, ये आप क्या करें, रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए, मेरी खातिर रुक जाइए, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? अरे तुम तो नहीं हो पत्नी, तुम तो हो बैरल चेक जो हो चुका है कैश। शाबाश शाबाश, दौलतमंद वही बनते हैं जो रिश्ते नातों की परवाह नहीं करते। चलिए पिताजी, चल गुल्लू। जब मैं नहीं था अपने बाप के साथ तो तू क्या करता है बे बात? बुड्ढे दाढ़ी वाले जल्दी से माल दे दे वरना उड़ा दूंगा तेरी ये नालायक औलाद। बड़ी बड़ी आंखें करके कुत्ते की तरह बात भौंक रहा था ना तू? अबे जा बे जो कर।
पिताजी, पिताजी, पिताजी। जय गोपाल, 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 ये तूने क्या किया? इस कमीने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी? हाँ नहीं बीजी, बीजी ये मेरी बहन का सुहाग है और मैं अपनी बहन के सुहाग को मिटने कैसे देता? देखा, लानत है तुम पर, तुमने मेरे भाई पर कितने जुल्म किए, लेकिन फिर भी उससे तुम्हारी जान बचाई। मुझे तुम्हें पति कहते हुए भी शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए। सुनीता, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ भैया। बीजी, बीजी अगर इंस्पेक्टर साहब जवे राजा को ले गए तो लाली जी का नाम और इस हवेली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अगर ये यहाँ रहा तो अभी हवेली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। नहीं बीजी। हाँ गोपाल, ले जाने दो। बीजी आप क्या कर रही है? ले जाने दो। बीजी, बीजी जब बच्चों से गलती होती है तो उनको घर से नहीं निकालते, उनको माफ किया जाता है। जवाई राजा भी आपके बेटे, उनसे गलती हो गई बीजी, उनको माफ कर दीजिए। नहीं गोपाल। बीजी, इस हवेली पर कीचड़ उछले ये मैं नहीं देख सकता, उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। बीजी नहीं गोपाल। गोपाल, इंस्पेक्टर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है। मुझे माफ कर दीजिए बीजी, मुझे माफ कर दीजिए। बीजी, मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूं, ना तो मैं अच्छा जवाई बन सका, ना अच्छा पोती बन सका। गोपाल, मैंने तुम पर कितने जुल्म किए, कितनी तकलीफें दी और तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर देना गोपाल। ये आप क्या कह रहे हैं जवाई बाबू? आपके आंसू देखकर तो आपको भगवान भी माफ कर देगा, मैं तो सिर्फ इस घर का नौकर हूं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। गोपाल, इस हवेली में सबका एक दूसरे से खून का रिश्ता है, लेकिन तेरा रिश्ता तो सबसे बड़ा है, नमक का। आज मैं इस रिश्ते को और मजबूत कर देती हूं। बीजी, एक रिश्ता और बाकी है, प्रभात और अनीता का। ओए मैं सच्चे, मैं कुर्बान, आप भूलना, सारी फैमिली कंप्लीट। ओए हंगामा, अरे लुट गया बाबा, अरे मुबारक मुबारक, सबको मुबारक, सबको मुबारक। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। शांति देता है ये है वो संगीत, धोखा जिसमें कोई नहीं संगीत है तमीज। मन की शांति देता है ये है वो संगीत, धोखा जिसमें कोई नहीं संगीत है तमीज। जब नफरत दिल को तोड़े संगीत दिल को जोड़े, जब नफरत दिल को तोड़े संगीत दिल को जोड़े, ये वो तराना है जो दिल का हर गम दूर करे। जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।
तो